हाँ तो दोस्तों आज हम मनगढ़ धाम घूमने आए हैं जो कि एक कुंडा में पड़ता है कृप्यालु धाम मंदिर यहाँ पे आप लोग भी आइए और दर्शन कीजिए बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ का आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहना आप लोग को हम पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोग को वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि आप लोग कभी सोचा नहीं होगा हाँ तो दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना और यहाँ पर धाम पर कृपालु धाम मंदिर पर कौन कौन घूमने आया है कमेंट करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें धन्यवाद दोस्तों हाँ तो दोस्तों आज हमारी फैमिली पूरी मनगढ़ मंदिर पर घूमने आई है जो कि हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे अब कि हम दूसरी बार आ चुके हैं और हमारे जीजा जी हैं और हमारी सिस्टर जी हैं और हमारी भाभी जी हैं और हमारे छोटे प्रदीप भाई हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं हम लोग कितने दिन से सोच रहे थे पर आज यहाँ का दर्शन हो गया है और यहाँ का नज़ारा तो हमें बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों आप लोग को वीडियो में कैसा लग रहा है ज़रूर बताना और जो यहाँ पर अभी आए नहीं हैं वो अगर आना चाहते हैं तो कुंडे जिले में पड़ता है कृपालु धाम मंदिर यहाँ पे आके किसी से भी पूछ कृपालु धाम मंदिर बता दोगे तो आपको रास्ता बता दिया जाएगा या तो मनगढ़ मंदिर बता दोगे फिर भी यहाँ के लोग आपको रास्ता बता देंगे हाँ तो कैमरा मैन फोकस कीजिए और पब्लिक के तरफ कैमरा घुमाइए हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया एक घोड़े का नज़ारा और देख सकते हैं आप लोग कितनी पब्लिक जा रही है और दोस्तों यहाँ पे आप लोग आएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे तो यहाँ पे दो बार आ चुका हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग दिन में आएंगे तो इतना बढ़िया नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा जितना आपको रात में मिलेगा देखने को नज़ारा क्योंकि यहाँ पे बहुत दूरी दूरी का लोग दर्शन करने आते हैं और बहुत मस्त यहाँ पे आप वीडियो बना सकते हैं फ़ोटो भी खींच सकते हैं क्योंकि यहाँ का गार्डन भी बहुत तगड़ा है और बहुत खूबसूरत है अभी हम गार्डन में हैं रास्ते में अभी बस कुछ ही पलों में पहुँचने वाले हैं आप फिर वहाँ धाम का भी वीडियो देखना और आप लोग से हम हाथ जोड़कर कर विनती करते हैं वीडियो को लाइक करें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ की पब्लिक देखकर आप लोग को कैसी लग रही है तो कमेंट करना ना भूलें हाँ तो दोस्तों अब बस कुछ ही पल में हम पहुंचने वाले हैं मंदिर पे जो कि लाइट के फोकस से वीडियो साफ़ नहीं आ रहा है आप हाँ तो दोस्तों मंदिर के पास आ चुके हैं आप लोग वीडियो में बने रहें आप लोग को मंदिर के पास पहुंच के एक एक सीन करके दिखाएंगे आपको यहाँ का सभी नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोग वीडियो में बने रहें वीडियो बहुत मस्त बनने वाली है हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मंदिर का नज़ारा कितना खूबसूरत है हाँ तो दोस्तों आप लोग को बता देना चाहता हूँ आज एक ही मंदिर चालू है अभी दो मंदिर चालू होने में आठ बज जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम आपको एक मंदिर का सीन दिखा देंगे उसके बाद मुझे वापस जाना है भाभी के घर क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो लेट हो जाऊंगा यहाँ से हमारी भाभी का घर दस किलोमीटर दूर पड़ता है जो कि मऊदारा क्योंकि मेरे को यहाँ से धाम पे घूम के फिर रात में वापस जाना है भाभी के घर फिर सुबह उठकर अपने घर जाना है इसलिए मैं आपको एक मंदिर का नज़ारा दिखा देंगे और उसके बाद कभी फिर आएंगे तो आपको पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोग वीडियो देखकर हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें हाँ तो गाइस आप लोग देख सकते हैं पब्लिक यहाँ से दर्शन करके और जा रही है और पब्लिक आ रही है और हम भी जा रहे हैं आप लोग वीडियो में बने रहें आपको पूरा नज़ारा हम दिखा रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग सेल्फ़ी ले रहे हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है आप लोग वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं अगर जो आए हैं वो तो जानते हैं कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है कैमरा मैन फोकस कीजिए मंदिर के ओर और।, और आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी गाय हैं और यहाँ का सीन भी देखिए कितना खूबसूरत हरियाली है हिरन भी कितना खूबसूरत है और यहाँ की गैया भी कितनी खूबसूरत हैं मोर भी कितने खूबसूरत हैं हाँ और ये मेरे बड़े भाई हैं और ये कैमरा मैन फोकस कीजिए हमारे जीजा जी आगे जा रहे हैं और देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत हरियाली है और एक घास इतना खूबसूरत नजदीक से आप लोग देखेंगे तो एक घास बहुत खूबसूरत है जो कि इसको हमारे भाषा में इसको दूब बोलते हैं आप लोग के भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना जय श्री कृपयालू धाम हर हर महादेव जय भोलेनाथ जय श्री राम राधे राधे हाँ तो दोस्तों आप लोग देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का नज़ारा मुझे इतना प्यारा लगता है कि मेरा मन नहीं करता है कि यहाँ से मैं घर चला जाऊँ मेरा तो मन यही करता है कि इधर ही घूमता रहूँ इतना खूबसूरत लगता है ये हमारी भाभी हैं और ये हमारे भाई हैं और बगल में जो थी हमारी सिस्टर थी आप लोग वीडियो में बने रहें हम इधर से जाते हैं आप लोग को पूरा वीडियो दिखाते दिखाते आप लोग देख सकते हैं लड़की कितनी प्यारी वीडियो बना रही है हम भी इसके पीछे ऐसे वीडियो बनाते जा रहे हैं जय श्री कृष्णा भगवान की जय और यहाँ की गैया भी कितनी प्यारी है हिरन भी कितने प्यारे हैं और यहाँ की पब्लिक भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती है धाम के अंदर कोई प्रशासन नहीं है फिर भी यहाँ की जनता लोग कभी झगड़ा लड़ाई नहीं करती है इसलिए मुझे यहाँ की पब्लिक बहुत खूबसूरत लगती है देख सकते हैं कितना मस्त हिरन है मोर हैं गाय है और कृष्णा भगवान भी कितना खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ का तो नज़ारा ही कुछ अलग है इतनी हरियाली और कितने सारे लोग हैं सेल्फी ले रहे हैं आप लोग भी यहाँ जरूर आएं एक बार आप लोग को इतना मस्त नज़ारा और कहीं नहीं मिलेगा देखने को अपने यूपी भर में कोई भी धाम पे जितना खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा राधे राधे हर हर महादेव दोस्तों मोर ऐसा लग रहा है कि हकीकत का है आप लोग देखते रहें वीडियो में बने रहें हम आपको पूरा नज़ारा दिखाते जा रहे हैं तो देख सकते हैं कितने लोग पास में आके सेल्फी ले रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सचमुच में पूरा हरियाली है जय श्री कृष्णा राधे राधे ये वाली मंदिर अभी चालू नहीं है मंदिर आठ बजे खुलेगी तब तक तो मैं नहीं रहूँगा यही एक मंदिर चालू है ये जो आगे जा रहे हैं प्रदीप हैं मेरे छोटे भाई और जो जाकिट पहने वो बड़े भाई हैं और वो जो जाकिट में हाथ डाले वो मेरे जीजा हैं और इधर जो आगे चल रहे हो हमारी सिस्टर हैं आओ दोस्तों आपको ले चलते हैं यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कितना खूबसूरत है तो दोस्तों बस आप लोग को कैमरा जूम करके दिखाता हूँ नज़दीक से हाँ तो दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहें और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करें मुझे भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें आप लोग के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोनीटाइज होने में सिर्फ चौदह सौ घंटा बाकी है बस मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए दोस्तों आप लोग के सपोर्ट से ही मेरा यूटूब चैनल मोनीटाइज हो सकता है तो दोस्तों आप लोग एक गरीब का सपोर्ट ज़रूर करें बिना सपोर्ट का कोई आगे नहीं बढ़ता है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ का देखो कृपालु धाम मंदिर के बाबा जो हैं यहाँ के कितना खूबसूरत नज़ारा है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि कहीं और भी जाएं तो ऐसा ब्लॉग वीडियो आप लोग को बनाकर हम ज़रूर दिखाएं। अभी आप लोग को ले चलेंगे और आगे भी बहुत बढ़िया बढ़िया सीन है आप लोग बस वीडियो में बने रहें जय श्री राम लिखना ना भूलें जय श्री राम हर हर महादेव अभी तो पब्लिक कम है आठ बजे जब बड़ा वाला मंदिर चालू होता है तो पब्लिक बहुत ज़्यादा आ जाती है तो दोस्तों देखिए टीवी में भजन चल रहा है क्योंकि भजन की आवाज़ मैं बंद कर दिया हूँ नहीं तो वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आएगा इसके वजह से आवाज़ बंद है भजन का यहाँ पे चौबीस घंटा भजन चालू रहती है कृपालु महादेव का भजन यहाँ पे आल टाइम चलता रहता है मंदिर पे सब भक्त मस्ती में झूम रहे हैं आप लोग एल लो वीडियो में देख सकते हैं हाँ तो दोस्तों आप लोग को और करीब में ले चल रहे हैं यहाँ का नज़ारा देखिए यहाँ का नज़ारा कैसा है आप लोग देखिए और बताना ना भूलें यहाँ का नज़ारा कैसा है हम इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं राधे राधे और आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट, शेयर ज़रूर करना दोस्तों हम इतनी मेहनत से वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं जो व्यक्ति यहाँ का दर्शन नहीं पा रहा है वीडियो के माध्यम से दर्शन पा जाए और ताकि वो भी यहाँ घूमने के लिए कभी भी आ सकता है हाँ तो दोस्तों यहाँ की गैया देखो कितनी खूबसूरत है कन्हैया भगवान भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं सुदामा भी हैं हाँ तो दोस्तों राधे राधे बोलते रहें और आप लोग को आगे ले चलते हैं हमारे ब्लॉकिंग वीडियो में ऐसे आप लोग बने रहें आपको हम पूरी सीन दिखाने की कोशिश करेंगे हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं प्रदीप भाई मोबाइल चला रहे हैं इनको तो कोई ब्लॉकिंग वीडियो से जैसे मतलब ही नहीं है ये प्रदीप भाई आजकल भाई वीडियो में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इनको कमेंट करके ज़रूर बोले क्योंकि वो भी कमेंट पढ़ते हैं देखते हैं वीडियो में उनका मन नहीं लग रहा है भाई उनको आप लोग समझाइए उनको ऐसा लगता है कि फैन लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए उनका भी दिल टूट जा रहा है वीडियो से आप लोग कमेंट करके उनको ज़रूर समझाएं अगर उनका नंबर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना हम उनका नंबर देंगे हमारे वीडियो में प्रदीप भाई कलाकार थोड़ा ठीक थे वो भी वीडियो से उनका भी मन भर गया है आप लोग देख सकते हैं कृष्ण भगवान नाग पे बैठे हैं नाग देवता भी जीभ निकाल रहे हैं आप लोग देख सकते हैं रात का सीन है कैमरे में साफ नहीं आ रहा है जय श्री राम राधे राधे बोलते रहो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों कितनी पब्लिक वीडियो बना रही है और कितनी पब्लिक आ जा रही है आप लोग देख सकते हैं तो दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग कहाँ से हैं कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हमको भी पता चले हमारी वीडियो किस किस देश से देखते हैं हाँ तो दोस्तों हम आगे चल रहे हैं आप लोग वीडियो बने रहें मंदिर के करीब चलते हैं देख सकते हैं कितनी पब्लिक आ रही है और कितनी पब्लिक जा रही है अभी तो भीड़ कम है आठ बजे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है धाम पे क्योंकि आठ बजे सब मंदिर खुल जाता है इसकी वजह से यहाँ पब्लिक बढ़ जाती है अभी सात बज रहे हैं इसकी वजह से भीड़ कम है अभी एक ही मंदिर खुला है तो हम मंदिर के करीब चल रहे हैं आप लोग वीडियो में बने रहें मंदिर के करीब में तो पब्लिक ज़्यादा दिख रही है आप देख सकते हैं हाँ तो दोस्तों मंदिर पे अभी पूरी लाइट नहीं जल रही है नहीं तो पूरा जन्नत ही जन्नत दिखता है मंदिर की लाइट सिर्फ एक ही मंदिर का जल रही है ऐसी ऐसी लाइट लगी है कि फोकस इतना खूबसूरत रहता है कि जिन पूछो अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो शाम की आइए शाम की नज़ारा बहुत खूबसूरत रहता है हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लोग कितने मगन और कितने खुशहाल हैं अपनी फैमिली को लेकर आते हैं यहाँ पे घूमते हैं टाइम बिताते हैं फैमिली को बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग भी अपनी फैमिली को ले कर आएँ यहाँ पर दर्शन कराएँ और बहुत सारा प्यार मिलता है यहाँ पे जो भी आते हैं भक्त यहाँ पे दवा भी फ्री में कराई जाती है कोई भी बीमारी हो आपको यहाँ से मुफ्त में दवा होती है तो हाँ दोस्तों हम ऊपर चल रहे हैं आप लोग वीडियो में बने रहे हैं हमारे दीदी जीजा सीढ़ी पे खड़े हैं और हमारी भी भाभी जी चढ़ रहे हैं और हमारे बड़े भाई सेल्फी ले रहे हैं और हमारे प्रदीप भाई पता नहीं कहाँ खो गए हैं देख सकते हैं आप लोग वो तो वीडियो से कोई मतलब ही नहीं है कि हेलो गाइस बोल दूँ उनको तो कोई मतलब नहीं है पर दोस्तों मैं आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ बना रहा हूँ मेरे लिए तो एक लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है और मंदिर भी कितना खूबसूरत लग रहा है और कितनी लड़कियाँ तो यहाँ पर सेल्फ़ी लेते नज़र आ रही हैं आप लोग देख सकते हैं आप लोग को एक एक करके सीन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग देखते रहें हाँ तो दोस्तों आप लोग को आगे ले चलता हूँ यहाँ का भी नज़ारा देखिए तो फिर दोस्तों आगे वाले कमरे में चलता हूँ यहाँ का नज़ारा देखिए कृपालू धाम मंदिर के बाबा जी हैं तो आप दोस्तों यहाँ का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है पत्थर का हरियाली हाँ तो दोस्तों आप लोग यहाँ का भी नज़ारा देख लीजिए आपको हम सब नज़ारा दिखा देते हैं दोस्तों ऊपर दो तल्ले पे मोबाइल अलाउड नहीं है इसकी वजह से हम आपको वहाँ का नज़ारा नहीं दिखा सकते हैं तो उसके लिए क्षमा करना अब हम भी थोड़ा घूम लेते हैं फिर उसके आगे आपको ब्लॉकिंग वीडियो दिखाते हैं तो ये लोग हमारे जीजा भाभी लोग फिर वापस आ रहे हैं और हम उधर जा रहे हैं तो हेलो गाइस आप लोग यहाँ का भी नज़ारा देख लीजिए तो दोस्तों आप लोग अभी क्या कर रहे हैं इस समय अगर दिन में देख रहे हैं वीडियो तो गुड आफ्टरनून अगर सुबह वीडियो देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग अगर रात में वीडियो देख रहे हैं तो गुड नाइट दोस्तों हाँ तो दोस्तों हमारी मेहनत के लिए तो एक लाइक ज़रूर कर देना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना जय श्री राम हर हर महादेव राधे राधे जय सनी देव भगवान लिखना ना भूलना दोस्तों हाँ तो दोस्तों यहाँ का भी नज़ारा आप देख लीजिए हम आपको पूरा वीडियो के माध्यम से हर नज़ारा दिखा दे रहे हैं हर जगह का तो इसके लिए मुझे एक लाइक एक प्यारा सा कमेंट जरूर चाहिए कमेंट में जय श्री राम राधे राधे हर हर महादेव जय शनि देव भगवान लिखना ना भूलना दोस्तों ताकि मुझे भी खुशी मिले कि हमारी वीडियो बनाने का मेहनत मुझे ज़रूर दिखाई दिया तो दोस्तों हम लोग अब वापस चल रहे हैं भाभी के घर फिर आप लोग वीडियो में बने रहें आप लोग को पूरा वीडियो दिखा चुके हैं अब हम लोग अपने भाभी के घर जा रहे हैं यहाँ से जाएंगे भाभी के घर रात रुकेंगे फिर उसके बाद सुबह अपने घर जाएंगे बच बोलूँ तो दोस्तों यहाँ पे घूम के एकदम मूड भी फ्रेश हो गया और दिमाग भी फ्रेश हो गया और मुझे बहुत खुशी मिली यहाँ घूम के और आप लोग भी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए यहाँ का नज़ारा और यहाँ का हरियाली और यहाँ का गार्डन मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है हाँ तो दोस्तों हम गेट के करीब जा रहे हैं फिर इसके बाद हम अपने घर पर जाएँगे और हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है फिर वहाँ से गाड़ी से दो चक्के से आए हैं फिर वहाँ से अपने भाभी के घर जाएंगे रात वहाँ रुकेंगे फिर सुबह अपने घर जाएंगे, दोस्तों अभी क्या है कि हमारी कॉमेडी वीडियो में कलाकार टाइम नहीं दे पा रहे हैं इसकी वजह से हम जहाँ भी घूमने जाते हैं ब्लॉकिंग वीडियो बना के डाल रहे हैं जिस दिन हमारा कॉमेडी वीडियो आएगा तगड़ा और एकदम मनोरंजन भरपूर रहेगा हमारे कॉमेडी में तो आप लोग हमारे फ़ैन हैं और तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए बिना आपके सपोर्ट से हम आगे नहीं जा सकते